आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं MySQL में डेटा डेफिनेशन एंड मैनिपुलेशन स्टेटमेंट्स। कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर में CS 310 सब्जेक्ट PHP एंड MySQL के अंडर हम ये पढ़ेंगे। मेरा नाम है रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, GPC डूंगरपुर। आइए शुरू करते हैं। SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ये हम काम में लेते हैं एज ए डेटाबेस लैंग्वेज, ये हम सब जानते हैं। और SQL को हम यूज करते हुए डेटाबेस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अब ये दो तरह की ऑपरेशंस होती है। SQL क्यूरीज को यूज करके हम डेटाबेस बना भी सकते हैं और बने हुए डेटाबेस पर भी ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे कि क्रिएट, ड्रॉप, इंसर्ट एटसेट्रा, कुछ क्यूरीज हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं डेटाबेस पर। तो SQL कमांड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है मेन। एक तो ऐसे कमांड्स जिनको यूज करते हुए हम डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस की स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसकी स्ट्रक्चर में चेंजेज करते हैं। स्ट्रक्चर में चेंजेज करने में आ गया स्ट्रक्चर बनाना, उसको डिलीट करना और उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना स्ट्रक्चर के अंदर। अब स्ट्रक्चर हमारे पास डेटाबेस में क्या रहता है, एक तो डेटाबेस रहता है और एक रहता है टेबल। तो ऐसी जो लैंग्वेज या ऐसी क्यूरीज जिनसे हम डेटा को डिफाइन करेंगे, डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, उनको हम बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्योंकि हम डिफाइन कर रहे हैं डेटाबेस को, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, टेबल की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, ये उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो डेटाबेस बनाना, टेबल बनाना, डेटाबेस को रिमूव करना, टेबल को रिमूव करना, टेबल की स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफिकेशन करना, ये सारी चीज़ें आती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। फिर आता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है उसमें हम जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसके डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको मैनिपुलेट नहीं करते। देखिए डेफिनेशन में क्या हो रहा था, डेटाबेस की स्ट्रक्चर कैसी होगी, कैसा उसका मॉडल होगा उसको बता रहे थे हम। टेबल कैसी होगी, कितने कॉलम्स होंगे उसमें, कौन से कॉलम में क्या रहेगा, ये स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे थे DDL में। डेटा मैनिपुलेशन में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके साथ हम कुछ नहीं करेंगे, हम जो कुछ भी करेंगे उस टेबल के अंदर जो डेटा है उस डेटा के साथ करेंगे, तो वो होगा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL, इसके अंदर एक्चुअली जो SQL कमांड्स होते हैं वो यूज होते हैं डेटाबेस के स्कीमा को डिफाइन करने में। ये सिंपली डील करता है डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस स्कीमा, और इसको हम काम में लेते हैं क्रिएट करने और मॉडिफाई करने को स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस की जो स्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करते हैं और मॉडिफाई करते हैं। एग्जांपल DDL के हैं क्रिएट कमांड करता है, डेटाबेस को क्रिएट करता है, जैसे कि टेबल, इंडेक्स, फंक्शन, व्यूज, स्टोर प्रोसीजर्स और ट्रिगर्स।
जैसे डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, क्रिएट डेटाबेस पॉलिटेक्निक, टेबल क्रिएट करते हैं क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नेम और ब्रैकेट के अंदर कॉलम नेम और कॉलम टाइप, ड्रॉप, ड्रॉप हम काम में लेते हैं ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करने में, डेटाबेस को भी डिलीट कर सकते हैं और टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं। तो डेटाबेस को डिलीट करेंगे, हमने पॉलिटेक्निक डेटाबेस बनाया है तो ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नेम क्या है पॉलिटेक्निक, टेबल है तो ड्रॉप टेबल और टेबल का नेम जो भी है, जैसे हमने बनाया था पॉलिटेक्निक टेबल। अल्टर, अल्टर काम में लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस को अल्टर करने में, अल्टर करवाते हैं ना, जैसे हम कपड़े खरीदते हैं, कपड़े हमारी साइज के नहीं हैं, बड़े हैं, तो हम उनको अल्टर करवा लेते हैं, तो डेटाबेस की जो स्ट्रक्चर है उसको हम अल्टर कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। कमांड किस तरह से रहेगा, अल्टर टेबल, टेबल नेम। अब अल्टर करना क्या है, तो हम चाहते हैं कि एक कॉलम ऐड कर दें, तो ऐड कॉलम नेम और डेटा टाइप, ठीक है। देखिए दोबारा देखिए, अल्टर किसको अल्टर कर रहे हैं, टेबल को, तो टेबल, अब टेबल कौन सी टेबल, टेबल का नेम। अब अल्टर करना क्या है, कुछ ऐड करना है कि रिमूव करना, ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, तो ऐड क्या ऐड करना है, कॉलम, तो कॉलम का नाम तो होगा ना, तो कॉलम नेम, और कॉलम का कुछ डेटा टाइप भी होगा कि किस तरह का डेटा लेगा, स्ट्रिंग लेगा, इंटीजर लेगा, फ्लोट लेगा, कैरेक्टर लेगा, क्या लेगा। टर्नकेट, टर्नकेट में हम सारे जो रिकॉर्ड्स हैं टेबल के उनको रिमूव करते हैं, इंक्लूडिंग ऑल स्पेसेज अलोकेटेड फॉर दी रिकॉर्ड्स आर रिमूव्ड। तो टर्नकेट में जो रिकॉर्ड्स हैं वो तो रिमूव हो ही रहे हैं, उसके अलावा जो स्पेसेज अलोकेटेड थी रिकॉर्ड्स के लिए वो भी रिमूव हो गई, मतलब सिर्फ डेटा रिमूव नहीं हुआ है, जो खाली जो स्पेस था वो भी रिमूव हो गया है। तो ये कुछ इस तरह से चलता है, टर्नकेट टेबल और टेबल का नेम। कमेंट, कमेंट्स हम काम में लेते हैं कमेंट करने के लिए डेटा डिक्शनरी में। सेलेक्ट, सेलेक्ट से हम डेटा को रिट्रीव करते हैं, क्यूरी कैसे लगाएंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, स्टार का मतलब हो गया सारे जितने भी कॉलम हैं सबको ले लेंगे, अगर सेलेक्टेड कॉलम लेना चाहते हैं तो कॉलम्स के नाम लिख दो कोमा लगा के। रीनेम, रीनेम क्या करता है, ऑब्जेक्ट है जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अंदर उसको रीनेम करता है, उसका नाम चेंज कर देगा, जैसे फाइल का रीनेम करते हैं ना, माउस से राइट क्लिक करके रीनेम करते हैं, तो रीनेम भी किस में होता है, अल्टर हो रहा है, जैसे कॉलम ऐड किया था तो उसमें क्या लगाया था वैसे इसमें चलेगा, तो आधी क्यूरी तो सेम रहेगी, अल्टर टेबल टेबल नेम, इतना तो सेम है। अब करना क्या है, रीनेम करना, तो रीनेम टू, ठीक है। अब पुराना जो टेबल का नेम है वो तो क्या आ गया, टेबल नेम ऊपर आ गया, नया नेम क्या देंगे, तो न्यू टेबल नेम, तो टेबल का नेम हम चेंज कर देंगे। दूसरा, पहला जो टाइप हो गया वो हो गया कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेज करते हैं हम, उसमें डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाना, उसको डिलीट करना और उसमें मॉडिफाई करना, तीनों चीज़ें आ गई। दूसरा जो टाइप है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसमें स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, जो स्ट्रक्चर के अंदर डेटा है, जो रिकॉर्ड्स है वो डेटा है, उन पर हम काम करेंगे, उनको मैनिपुलेट करेंगे। अब इसमें मैनिपुलेशन में आ गया कि डेटा को इंसर्ट करना, नया डेटा इंसर्ट करना, डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकते हैं और अपडेट करना चाहे तो अपडेट कर सकते हैं।
तो DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज काम करता है एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अंदर जो डेटा प्रेजेंट है उसको मैनिपुलेट करने के लिए। अब इसमें कुछ SQL स्टेटमेंट्स है, कुछ इस तरह से है, इंसर्ट टेबल हमने बना ली, अब टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करने, तो कमांड इस तरह से रहेगा इंसर्ट इनटू टेबल का नेम ब्रैकेट में कॉलम्स के नेम कॉलम 1 2 3 जितने भी कॉलम है वैल्यूज और फिर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3। तो जिस सीक्वेंस में कॉलम्स रहेंगे उसी सीक्वेंस में वैल्यूज रहेगी। अपडेट एग्जिस्टिंग जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट करने के लिए अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम 1 इक्वल टू क्या वैल्यू हम देंगे नई वाली, कॉलम 2 में क्या देंगे, कॉलम 3 में क्या देंगे। अब हमारे पास टेबल में रिकॉर्ड्स तो खूब सारे 10 रो हैं, उसमें 10 टपल है, लेकिन कौन सी टपल को चेंज कर रहे हैं हम, अपडेट किसको कर रहे हैं, तो बताएंगे तो सही किसको करना है। तो वेयर सम कॉलम इक्वल टू सम वैल्यू, ठीक है, आप अपने आधार कार्ड में कुछ चेंजेस करवा रहे हो तो अपडेट कर देंगे, आधार कार्ड में चेंज हो जाएंगे, लेकिन कंडीशन क्या लगाएं, वेयर आधार कार्ड नंबर इक्वल टू आपके आधार कार्ड नंबर, तो आपका आधार कार्ड है तो आपकी जो डिटेल्स है वो चेंज होगी ना, किसी और की थोड़ी होगी, तो वेयर कंडीशन लगेगी। डिलीट इसमें रिकॉर्ड्स को हम डिलीट करते हैं, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर, अब करना कौन सी रो को है, 10 रो है टेबल में, किसको करना है, तो कोई कंडीशन देंगे सम कॉलम इक्वल टू सम वैल्यू। तो ये थे हमारे डेटा डेफिनेशन एंड डेटा मैनिपुलेशन स्टेटमेंट्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।